रुको, तुम अब कहाँ जा रहे हो इतना कुछ बोलने के बाद? जो बोलना है अब बोलो। जो कहना था मैंने कह दिया। फरहाद, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी फैमिली से इस तरह बात करने का। मेरे पप्पा और पप्पो की इंसल्ट की है तुमने। तुम्हारे पप्पा और पप्पो को ना हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। हम आपको इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, फैमिली है, कंसर्न थे, दे वुड जस्ट। तुम्हें इस तरह उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने जिस तरह मुझसे बात की वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया। यही कह रहे थे ना कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं रखना आता। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं अकेली होती हूँ, मैं पप्पो के घर चली जाऊँ, तो अब वो मुझे लेने के लिए आए हैं, तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? फिया, मुझे उनका आना बुरा नहीं लगा, लेकिन जिस हकारत से वो हमारे इस घर को देख रहे थे ना, तुम्हें पैसे देके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज भी उनका वही एटीट्यूड था। तुम्हारी अम्मी आई थी, उन्होंने मुझे कितना बुरा भला कहा, फोन पे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की, मैंने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त की बात मत करना मेरे साथ। मैंने तुम्हारी फैमिली की तरफ से क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया? मेरे अब्बा से बदतमीजी की, मेरी अम्मा से बदतमीजी की, मेरे भाई को मारा, अरे मुझ पे गोलियां चलाई तुम्हारे भाई ने, पूरी मेरी फैमिली को धक्के देके निकाला था तुम्हारी फैमिली ने, याद है? मैंने सब बर्दाश्त नहीं किया। तो तुम्हारी फैमिली ने क्या किया, हमें गले लगा लिया था? हाँ, तो शुरू तुम लोगों ने किया था। हम लोग? पहले तुम मेरी फैमिली पर चले गए, अब तुम बिरादरी पर जा रहे हो। फ्रिया, तुम जानती मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, मैं नहीं जानती। मैं इस नए फरहाद को नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती। और ये जो तुम्हारे फैले हुए कपड़े हैं ना, आइंदा मुझे ये दिखे तो मैं बालकनी से बाहर फेंकूंगी।